Hello, let's read the question so the question says lower surface of a plank is rough and lying at the uh, lying at rest on a rough horizontal surface upper surface of the plank is smooth and has smooth hemisphere placed over it through a light string as shown in the figure after the string is burnt trajectory of center of mass of the sphere is the option given are, a is a circle b an ellipse

हमको पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का जो भी है मोशन वो चेंज नहीं होगा ठीक है मतलब वो उसी लाइन में रहना चाहेगा या फिर उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना किया जाए ठीक है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पे देखें तो इस प्लैंक पे आ, इस प्लैंक पे क्या है कि इस प्लैंक पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा एम ठीक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम फोर्स लग रहा होगा अब यहाँ पे जो अपर सरफेस है इसका जो ऊपर वाला सरफेस है दिस इज वेरी स्मूथ स्मूथ ठीक है है ये सरफेस तो स्मूथ सरफेस है तो, तो हमको पता है कि इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा ठीक है तो इस पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो हम क्या बोल सकते हैं नो फोर्स नो फोर्स इज एक्टिंग

तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है और वो एक्सटर्नल फोर्स है एम जी तो वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वर्टिकल होगा ठीक है तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी स्ट्रेट लाइन ओके सो यहाँ से हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी आई होप यू अंडरस्टूड वेल